कि वो नू सोच रहा था कि मैं 302 के मुकदमे करके अपना पूरा मतलब दबदबा रखूं, मतलब खोप पैदा कर दूं और 302 के मुकदमे करके अपना ये नॉर्मल सोच हो यार भीतर दें, क्योंकि देखे हैं गाने सुने हैं यूट्यूब जी देखे हैं भीतर तो फिरौती मांग लूंगा रुपये मांग लूंगा अपने बढ़िया काम पर रहा था उन्होंने तो। मतलब कहीं ना कहीं बदमाशी के गाने भी इसके जिम्मेदार है। हाँ बदमाशी के गाने पूरे जिम्मेदार है वो छोटा छोरा। सारे ने मैं थारी गल्ला प्रीति को और फिलहाल भी मैं बुढ़ाना गांव में मौजूद हूँ और सभी साथी है जो जुड़े हुए हो कई दिन तक अपनी गल्ला और मामला का भी सभी ने पता है कि बुढ़ाना गांव में जो क्या क्या घटना है जो घटित हुई है और आज 4 दिन हो गए 4th दिन हो गए भी तालाब को है जो मोसल वाला तालाब बोलते हैं जिसने आज खाली कराया जान लग लगातार 4th दिन हो गया भाई आज तो विनय खत्री हमारी गल्ला फिलहाल फिर आपने दिखाई दे रहे हैं तो 4th दिन है जो तालाब को खाली होते हुए हो गया और कितनी मोटर लग रही है कितना टाइम और लगेगा इसमें गहराई कितनी है तालाब की। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे सर? ठीक है जी। अच्छा तो आज कितने दिन हो गए तालाब ने खाली होते हुए? करीबन 3 से 4 दिन हो गए जी। तो कितना खाली हो गया? वो थोड़ा रह गया शुक्र देते हैं ढाढ़ा पता तो हो गया बीच बीच में रह रहा है। गहराई कितनी की इसकी? गहराई 14-15 फुट बताओ जी। एक मोटर लगा रखी है? मोटर 4 तो ट्रैक्टर हैं और 2-3 BP मोटर हैं। तो परसों आरोपी को भी लेकर आए थे गांव में? हाँ उसको लगातार 2 दिन लेकर आए हैं। वेपन ओपन पूछा है बताना कित डाला है कहाँ तक फेंक क्या है कितनी दूर हो उसके है। तो उसका किस प्रकार का रवैया था जी? नहीं उसके दौरे तो चलो हम गए भी को ना जान दिए क्योंकि मतलब किधर न किधर पुलिस ने लग गया कि भाई लड़ाई लड़ू ना हो जाए बालक कहीं आ जाए तो थोड़ा सिक्योरिटी भी गनी थी जी। तो गांव वाले ने कहा बोले उसका चेहरा पे थोड़ी सी भी सिकन कौन थी बाला मात मारा था आदमी देख देख कास था यारे। हाँ नजदीक जो थे मैं बताऊं थे अकास था तो कही ना कह रमन रमुंड भी नहीं बढ़िया डाल दे रखा और उसका कोई मतलब फील नहीं है जी। तो मतलब रिमांड की और मांग करो? हाँ रिमांड तो ये डलगा आदमी तो टूटे ज्यादा बढ़िया है जी क्योंकि इतना रिमांड लेने के बाद भी उसका सर पे कोई सिकन कौन थी? हाँ नहीं उसका कोई मतलब ये नहीं था कि मतलब मैंने गलत कर रखा है। एक और बात सुनने में आई कि जो ये पूरा जो खेल रचा गया है इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है जी? अपने गांव के जो बच्चे हैं या जो हमारे वर्ग के युवा हैं या फिर जो बड़े बुजुर्ग हैं मास्टरमाइंड तो होएगा कोई ना कोई उसका नाम बोल भी रहे हैं और मैं तो उसने जानता नहीं बाकी लग रहे हैं उसकी पूछने है। उसका नाम बतावा जी राजेश राजेश जी मरहा वो कई बड़का ने गलत राह पर बतावा है मतलब ले जाने का उसका अहम योगदान है। उस पर सब किस तरह है जी कैसे हो वो बतावा 16 तारीख ने भी शायद उनके बैठा था तो 16 ने नहीं वो जो पहला मर्डर होया 5 ने शाम ने उनके बैठा था और जमानत जमुनत में भी मतलब ये उड़े पचोड़े करिए जावा कहने का मतलब बड़का नखवाए पे जावा है अपना हाथ तड़के बना ले है मतलब पंगे कण में एक्टिव रहवे। हां उसने अपने ये काम में सुआ दंदा होगा अपनी गैंग तैयार करता होगा मतलब चेले तैयार करे। हां चेले तैयार करे देखो उसने चेले तो बाकी और भी तैयार कर रखे होंगे। हां इस आदमी तो अपने उन्हें बेरा है यही भीतर जाने हैं दो और ले पाओगा अपने बढ़िया 2-3 डर का माहौल तो भी है जी गांव में जी बिल्कुल बिल्कुल बना हुआ है डर का माहौल और ऐसे समाज के कीड़ों को बख्शा नहीं जाना चाहिए ये जितने जल्दी और जितने तोड़े निकल सके इनको लकड़ देना चाहिए। एक अन्य मामले में उसके 2 भाई 307 के आरोपी भी भगोड़े हो रहे हैं उनसे भी खतरा हुआ अपना जी खतरा पहले बिल्कुल बना हुआ था लेकिन वो अरेस्ट कर लिए पुलिस ने कर लिए जी कर लिए। ठीक है जी और किस प्रकार की जो कार्रवाई प्रशासन कर रहा जी? कार्रवाई प्रशासन लगातार ही वेपन ढूंढने में मतलब यहाँ पे आप देख रहे थे प्रशासन यहीं पे है हाँ जी आज आया है। बाकी देखो जी अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी हुआ है उसके बाद ही कहा जाएगा कि मतलब प्रशासन ने अपने पूरी भूमिका निभाई है इतने तो फिर इसमें अब तक की प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या नहीं है? जी चल रही है कार्रवाई संतुष्ट उस दिन होया होगा जिस दिन इसके जितने मास्टरमाइंड है जितने आरोपी हैं और जो योग करवाने वाला करने वाला सख्त सख्त सजा फांसी एनकाउंटर जब होलेगा ना संतुष्टि तो जब होगी और जो मौत हो रही है उसकी संतुष्टि थोड़ी होगी जी। राजेश के ऊपर आरोप कैसे लगाए जा रहे हैं? राजेश के ऊपर आरोप जो उसके गांव में कर्मकांड देख रहे हैं लोग ठीक है एक अच्छा आदमी का रवैया अच्छा ही बताया जाएगा एक गंदा आदमी का रवैया गंदा ही बताया जाएगा
वो जो सारा गांव कहन लग रहा है तो गांव के झूठा हुआ कदे। जिस लड़की के हाथ पे बुड़का भरा और उसके पिताजी के ऊपर ईंट बरसाई उसने, उसने कहा कि उस टाइम भी राजेश उसके घर बैठा था जी। वो आप उनसे पूछिए, बाकी रवैया आदमी का गलती बता रहे हैं। उसने पत्रकारों के सामने बताई है ये बात। जी जी, उसका मन नहीं रहा जी। तो राजेश के अलावा किसी और व्यक्ति पे भी शक है जी गांव राम ने? देखो जी, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, बाकी गांव ना सारा बेरा होया करे। नो जी, गांव वाले ने ज्यादा पता। हां, गांव वाला ने सारा पता होया रे। और मैं तो यार 10 दिन था आया हूं ना, तो मुन्नो जानदा। बाकी जो ये सुनन माई हो? हां, सुनन माई है जी। ये एक तो राजेश है, एक नाम और ले आऊं थे, वो मेरा ध्यान को नया, वो है एक आड़े हड्डा कण है। ये दो चार हैं जो मतलब माहौल खराब कर रहे हैं। देखो, गांव में लड़की भी हो है, ठीक है, वो पढ़ने भी जावा, कॉलेज में भी जावा है, कल उनकी शादी भी होनी है। अगर इसे कांड हो ना, लोग रिश्ते नाते तोड़ जाएंगे इनका माने, ठीक है। तो समाज ने एक कठोर फैसला उठाना चाहिए। इसे इसे बालक जो दिखे समेकी हैं, या जो ये इसे आंगली लानी है, जो ये पंचर चिल्ले बनाने की सोच रहे हैं, भीतर जाकर गैंग बन जाएगी, आग नू कर देंगे, ठीक है, इनको बाहर कर देना चाहिए। इन कठोर तक कठोर कदम उठा गए प्रशासन दी दो, नहीं तो सामाजिक से आप तो इनका बहिष्कार करो। एक और बात सुनो माई जी, जैसे उसने अनूप ने क्राइम कराया, उसके बाद में उसकी माँ ने उसके कपड़े धोए या फिर जलाए? देखो जी, जलाए उसने भी दिया जी, बिल्कुल दिया है, जलाए बताओ। और उन नबेरा भी था, उसका पिताजी ने बेरा था, यो आड़े ये मतलब टूम दर गया, मतलब सोना दर गया, तो इन्हें तो यू कर दिया, उसकी बोला कोई बात ना, दबी रहने दे, बात ना, पहली दबगी तो यह भी दब जाएगी। तो वो तो नू मान रहे थे तारा कहना को ध्यान नहीं है, तो हम अपना करे जाओ, इन खत्म कर दो जितने भी हैं। और उसका यू बताया गया है कि वो नू सोच रहा था कि मैं 302 के मुकदमे करके अपना पूरा मतलब दबदबा रखूं, मतलब खोप पैदा कर दूं, और 302 के मुकदमे करके अपना ये नॉर्मल सोच हो यार भीतर दें, क्यों ये देखे हैं, गाने सुने हैं, यूट्यूब देखे हैं, भीतर फरोती मांग लूंगा, रुपये मांग लूंगा, अपने बढ़िया काम पर रहा था उन्हें, तो मतलब कहीं ना कहीं बदमाशी के गाने भी इसके जिम्मेदार है। हाँ, बदमाशी के गाने पूरे जिम्मेदार है। वो छोटा छोरा बता था, मासूम शर्मा के गाने सुने, अरदा देखो मासूम शर्मा मेरा मतलब यार दोस्त है, भाई है मेरा, बढ़िया, पर बोले मासूम शर्मा के गाने सुने, अरदार बोले अरदा बोले इन्हें सारे से पढ़ावांगे। उसने तो जड़ में जाके भी शेर शायरी करी है जी। हाँ, वो शेर शायरी बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने शेर शायरी करी है, उसने गंदी शायरी करी है, और ये भी करने लग रहा होगा। तो उसकी माँ के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए जी। जी, उसकी माँ जाली भीतर। जाली, हाँ चलो ठीक है जी। और कोई साथ कुछ? तो मृतक महिला से आपका क्या रिश्ता है? मेरी मम्मी है जी, सगी। हाँ जी, चलो ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, राम।